वेलकम हीलिंग प्लस 777 फैमिली, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आए हैं तो बहुत सारा वेलकम है। वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से वापस आए हैं तो आपका यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये रीडिंग है ये है एक क्विक पिक अ कार्ड रीडिंग, और यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस हैं महादेव की तरफ से कि महादेव आपको आज के दिन सावन के सोमवार के दिन क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आपके सामने रखे हैं तीन ऑप्शन, वीडियो पॉज करके अपने लिए कोई सभी एक मैसेज चुन लीजिएगा, एक क्रिस्टल चुन लीजिएगा, या फिर आप एक से ज्यादा भी चुन सकते हैं अगर आप सुनना चाहते हैं उसकी भी रीडिंग। क्विक रीडिंग रहेगी ये, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर नंबर वन क्रिस्टल के साथ में। वेलकम ऑप्शन वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का मैसेज। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। तो अगर आपको कोई इंसान कुछ भी ऐसा कह रहा है जो कि आपको नहीं करना है या आप नहीं करना चाहते हैं तो आपको वो नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं उनको सुन सकें और आगे अपनी ग्रोथ कर सकें। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है जस्टिस का, तो ये है मेजर अरकाना का कार्ड। आपके लिए जरूरी है कि अपने लिए बैलेंस बना के चलें अपनी लाइफ में, जो भी सही है उसकी तरफ फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे जो कर्मा है बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपकी सिचुएशन में। ये कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है, अपने कर्मास को, लोगों के बिहेवियर को और अपनी फीलिंग्स को सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें एक क्लियर थिंकिंग रखेंगे, क्लियर विजन रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जैसे यहाँ पर आप अपने लिए कुछ बड़ा डिसाइड कर रहे हैं और आप बहुत सारे लोगों से राय ले रहे हैं, अगर कुछ भी ऐसा है आपके लिए तो आपको चाहिए कि आप अपनी मन की भी जरूर सुने। क्रिस्टल्स का मैसेज है यहाँ पे, तो आपको अपने एनर्जी फील्ड को थोड़ा सा क्लियर करने की भी जरूरत है, इसलिए यहाँ पर क्रिस्टल्स भी हैं। द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स सपोर्ट्स यू एंड हेल्प यू विद प्रेजेंट सिचुएशन। तो आपकी जो भी सिचुएशन है यहाँ पर आपको क्रिस्टल्स हेल्प कर सकते हैं आपको हील होने में या फिर आपकी स्टेबिलिटी में। तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने आप को हीलिंग के अंदर ले जाएं, स्टेबिलिटी में ले जाएं, बैलेंस में ले जाएं। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है बी विलिंग टू फॉरगिव का, आस्क द एंजल टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो यहाँ पर आपको किसी सिचुएशन में शांति की जरूरत हो सकती है, तो लोगों को माफ भी करना होगा, लोगों को माफ कीजिएगा ताकि आपकी जो सिचुएशन है थोड़ी सी बेटर हो सके और आप अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही महसूस करें। जो कुछ भी है इसमें आपको अपने लिए बैलेंस जरूर क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ट्रू का, यस व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट इज द ट्रूथ। तो आपकी सिचुएशन में हो सकता है कि आप किसी सच को जानना चाहते हो या फिर आप आपको सच पता तो है पर आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो आपकी जो भी सिचुएशन है इस पे अपने सच को पहचानिए, सच को जानिए ताकि आप आगे बढ़ सके। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है आपके लिए, टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। तो कुछ भी ऐसा सोचिए जो कि आपको हैप्पी थॉट्स की तरफ लेके जाता हो, आपके एनर्जी फील्ड को क्लियर और क्लीन करता हो, ताकि आप बैलेंस में जा सकें, अपनी रियल फीलिंग्स को सुन सकें और अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ सकें। तो यही है आपके लिए एक क्विक पिक अ कार्ड रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो ये जनरल रीडिंग है, आपके साथ जो चीजें रेजोनेट हो उनको आप ले लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपने कोई और ऑप्शन चुनने का सोचा है तो उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। इन लोगों ने भी अमेथिस्ट क्रिस्टल को चुना है या पर्पल कलर के क्रिस्टल को चुना है। ये रीडिंग है आपके लिए ऑप्शन टू के लिए। आपने चुना है यहाँ पर फैमिली कल्चर का कार्ड, लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्री। तो आपकी सिचुएशन में कोई ऐसी बात, कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा बिहेवियर हो सकता है जो कि आपको समझने की जरूरत है, या फिर आपकी फैमिली के जो पैटर्न्स हैं वो आपको देखने की जरूरत है कि चीजें आपकी लाइफ में क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं, कहीं वो आपकी फैमिली का ऐसा कोई पार्ट तो नहीं है जिसको हील होना जरूरी है। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है सेवन ऑफ सोर्ड्स का, अगर आपको बहुत सारे लोग धोखा देते हैं या आपको चीट करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कहीं आपकी फैमिली की हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली मेंबर्स को भी लोग चीट करते रहे हों, और वो या तो बहुत भोले हों या उनको लोगों के बारे में बहुत जल्दी से पता ना चलता हो, उनको समझ में नहीं आता हो कि लोग किस तरह के हैं। आपके लिए यहाँ पे जो सेवन नंबर है या 777 नंबर है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। कुछ सच्चाइयाँ आपके सामने आनी जरूरी हैं, कुछ रियलिटीज आपको पता होनी जरूरी हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप रुके हुए हैं या आप स्ट्रक हैं वहाँ से बाहर निकलिए, निकलकर देखिए कि आपके लिए सिचुएशन किस तरह की चल रही है। यहाँ पर डेफिनेटली आपको जरूरत है अपनी फैमिली पैटर्न को जानने की, फैमिली कल्चर को जानने की, पुराने इतिहास में जाने की, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कोई चीटिंग हो रही है। आप यहाँ पर आपको कुछ लाइम लाइट में लाने की जरूरत है, सामने लाने की जरूरत है जिससे वो चीजें हील हो सके। जिन भी बातों, जिस भी सिचुएशन के लिए आप वेट कर रहे हैं वहां पर वो रिजल्ट आएंगे आपके लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस एनर्जी की जहां पर आपकी ग्रोथ होती है, जहां पर आपके लिए हैप्पीनेस होती है, लेकिन वो जो आपके रिजल्ट है उनको आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो महादेव आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो भी आपके रिजल्ट हैं वो आ रहे हैं, जो भी आपके जो फल हैं वो आपको मिल रहे हैं। अगर आप किसी की रियलिटी सामने आने का वेट कर रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आने वाली है।
थोड़ा सा आपको भी सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से जो कि आपको अपना बनकर धोखा देते हों। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स का। तो यहाँ पर आपको कोई इंट्यूशंस हो रही हैं जिसको सुनने की आपको जरूरत है। योर बॉडी इज रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो यहाँ पर आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, आपका जो हार्ट है, जो भी महसूस कर रहा है वो बिल्कुल सही है, आपको उसको सुनना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैसेज है आपके, रिलेशनशिप एंड एक्टिविटीज दैट यू वंस एंजॉयड आर नाउ चेंजिंग एज यू बिकम मोर सेंसिटिव एंड अवेयर ऑफ एनर्जीज। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ पता चल रहा है या आने वाले समय में पता चलेगा, जिससे आप कुछ लोगों से शायद दूरी बना सकते हैं, या आपकी फैमिली में या आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपके लिए एनर्जी वैम्पायर का काम कर रहे हों, या फिर आपकी एनर्जीज को सक कर रहे हों, या फिर आपको आपको ड्रेन कर रहे हों। तो यहाँ पर आपको कुछ लोगों से कॉर्ड कट करने की जरूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है, अपने इंट्यूशंस को सुनने की जरूरत है, ताकि आप सही सलामत रहें और आगे की तरफ बढ़ सकें। आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली है इंपॉर्टेंट। ब्रदर एंड सिस्टर का मैसेज है, टू गेट अलॉन्ग विद अदर सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। आप में से हो सकता है कुछ लोगों के साथ में उनके ब्रदर या सिस्टर ने कोई धोखा किया हो, उनके साथ आपके कोई सिबलिंग हो सकते हैं, आपके कोई कजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ धोखा भी है फैमिली की साइड से आपको। तो जो भी रिलेशनशिप में आप हर्ट हुई हैं, जो भी आपको दिक्कत हुई है, आप नफरत नहीं रखिए अपनी तरफ से। अगर कोई आपका झगड़ा हुआ है, कोई ऐसी बात हुई है, तो आप देखिए कि आपको क्या इंट्यूशंस आ रही हैं, उस इंट्यूशन के साथ में आपको जाना चाहिए। हो सकता है कि पहले आपका भी नेचर उनकी तरह हो, यानी कि अगर कोई लड़ रहा है तो आप लड़ रही हैं, अगर कोई बहस कर रहा है तो आप बहस कर रहे हैं, लेकिन अब आप उन चीज़ों को इंजॉय नहीं करते, अब आप उन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो आपको उस मैसेज को सुनना चाहिए, आपको उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ऑप्शन वन चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। क्यूरियसिटी का मैसेज है आपके लिए, स्टार्ट ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट। आपको कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप के लिए रिजल्ट आए, जिसको करने की आपकी इच्छा हो और जिसको कर आपको खुद भी अच्छा महसूस हो। तो आपके लिए जरूरी है कि आपको एक कदम आगे बढ़ा के सोचना है सब लोगों से, सब सिचुएशन से, और आपको किसी के लिए मन में नफरत नहीं रखनी है। आप सिचुएशंस को देखिए, अपनी सिचुएशन को क्लियर कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकें। आप ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इसको और भी ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत है। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, महादेव की ब्लेसिंग्स आपको मिले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाइएगा, और ऑप्शन वन अगर आप चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुन लीजिएगा। आपका ये दिन, आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन थ्री, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी ब्राउन कलर के क्रिस्टल को चुना है या एंजल को चुना है, ये रीडिंग है आपके लिए। आपने मैसेज चुना है जस्ट बी योरसेल्फ का। तो ये कार्ड कहता है आपसे, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योरसेल्फ। तो महादेव की तरफ से आपके लिए जो पहला मैसेज है वो यही है कि आप जैसे भी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अपनी जो सिचुएशन है, अपना जो सेल्फ है, उसको एंजॉय कीजिए। ना तो किसी से आप अपने आप को कंपेयर कीजिए, और ना ही अपने आप को कम करके आंकिए। आप में जो भी पोटेंशियल्स हैं वो हाई हैं, वो बहुत हैं। आगे बढ़ते जाइए, अपने आप को फ्रीडम में रखिए, ताकि आप अपनी जो आपका जो रियल सेल्फ है उसके साथ आप कनेक्ट हो सकें, और लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप कर सकें। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके लिए पहला। तो आपको महादेव यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे बंधे हुए पैटर्न से बाहर निकलना है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप सही हैं, लेकिन उनको चेंज करने की जरूरत है। अगर कोई बिलीफ सिस्टम है, अगर कोई थॉट पैटर्न है, तो आप वहां से बाहर निकलिए और आगे बढ़कर अपनी ग्रोथ कीजिए। यहाँ पर आपको, अगर आप में से कुछ लोगों को, अगर आप कभी भी अपने आप को इसलिए लिमिटेड कर लेते हैं कि आप अपने रंग रूप से प्रभावित हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका रंग या रूप वैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ तो जो भी रंग होता है, रूप होता है, सब ईश्वर का दिया हुआ ही है, और वो सबसे खूबसूरत है। आपकी आत्मा अगर अच्छी नहीं है और आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, तो उसमें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, और ना ही वो किसी काम का होता है। तो अगर आप अपने रंग या रूप को लेकर कभी भी ऐसा महसूस करते हैं कि आप कम हैं, या फिर आप में कोई कमी है, तो यहाँ पर महादेव आपसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी रंग रूप ईश्वर ने आपको दिया है, उन्होंने आपको दिया है, आप उसको इंजॉय कीजिए और उसको ही खूबसूरत और बेहतर बनाइए। जस्ट बी योर सेल्फ, आपको अपने आप के साथ ही कनेक्ट होना है, आपको अपने आप को कम नहीं आंकना, क्योंकि उन्होंने ये रूप, ये गुण, ये सब चीजें आपको किसी विशेष कारण से दी हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है मैजिशियन का। तो यहाँ पर महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप खुद अपने अपने लिए जादूगर हैं, आप अपने अंदर वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पर सब कुछ खूबसूरत हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर उस बंधे हुए पैटर्न से बाहर निकलना होगा, बंधी हुई किसी सोर्स से बाहर निकलना होगा, जो कि आपकी ग्रोथ नहीं होने दे रही। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, या आपके लिए बात करता है उस पैटर्न की जहाँ पर आपके लिए सब कुछ बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर आप अपनी योग्यताओं पर काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपको ये पता है कि आप आगे
बढ़कर बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं बातों की वजह से आप स्टक हो जाते हैं। तो ये मैजिक अपना बाहर निकालिए, महादेव चाहते हैं, और अपनी ग्रोथ कीजिए। आपके लिए लायन गेट पोर्टल का जो ये टाइम पीरियड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन ए चुनने का सोच रहे थे, सबसे पहला ऑप्शन, तो आप उसको जरूर सुन लीजिएगा। क्रिस्टल का मैसेज है यहाँ पर आपके लिए, द एनर्जी ऑफ क्रिस्टल सपोर्ट्स यू एंड हेल्प यू विद प्रेजेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर अगर आप क्रिस्टल का यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप अमेथिस्ट क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज कर सकते हैं। वो आपकी हेल्प करेगा आपके हार्ट चक्र को हील होने में और आपको प्रोटेक्ट होने में। यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील होने की या थोड़ा सा और ज्यादा ओपन होने की जरूरत है सेल्फ लव के लिए। आपके लिए मैसेज है इंडिगो का, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोन लीडर। तो आप यहाँ डेफिनेटली अपनी उस सेंसिटिविटी की वजह से बहुत जल्दी चीजों को रिसीव कर लेते हैं, उस एनर्जी को रिसीव कर लेते हैं जहां पर आपको कोई भी या तो नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजता है या आपको कुछ नेगेटिव कहता है। तो आपको यहाँ पर यही करना चाहिए कि आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए। अपनी जो सेंसिटिविटी है उसको अपनी पावर बनाइए, उसको अपना हथियार बनाइए, ना कि उसको अपनी कमजोरी बनाइए कि जो भी आए वो आपको कमजोर करके चला जाए या फिर आपको कम करके चला जाए। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इम्पॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कम्प्लीट इट। तो आपके लिए कोई समय है ऐसा जहां पर आपने कुछ इम्पॉर्टेंट अगर स्टार्ट कर रखा था तो उसको कम्प्लीट करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो महादेव चाहते हैं कि आप ऐसे कुछ काम करें जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके। यू विल नो इन द मॉर्निंग। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सब चीजें आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर महादेव आपसे कह रहे हैं, वेन यू वेक अप यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट व्हाट टू डू, रिलैक्स अंटिल देन। तो यहाँ पर आपको किसी भी समय ऐसी कोई इंट्यूशन हो सकती है, स्पेसिफिकली जब आप कर उठते हैं तो आपको कोई ऐसी इंट्यूशन हो सकती है, ऐसा मैसेज आ सकता है कि आपको ये करना है या यहाँ आपको चेंजेस करने हैं, किसी से मिलने जाना है या आपको कोई काम करना है। तो जब भी आपको कोई इंट्यूशन हो या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको कोई काम करना है, किसी से मिलना है, कोई आइडिया आ रहा है, कोई आपको इस तरह की इंट्यूशन हो रही है, उसको सुनिए और फॉलो कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि आपने कुछ चीजें स्टार्ट तो की हो लेकिन किसी वजह से आपने उसको बीच में बंद कर दिया हो, शायद उसके लिए भी यहाँ पर मैसेज है महादेव का, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। तो जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो आपने स्टार्ट कर रखा है, और अगर कुछ चीजें स्टार्ट कर रखी हैं उनको कम्प्लीट कीजिए, नहीं स्टार्ट की है तो स्टार्ट कीजिए ताकि आप अपने मैजिक के साथ में जुड़ सकें। तो जरूर बताइएगा कि ये क्विक पिक अ कार्ड रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर ये आपको पसंद आएगी तो मैं आपके लिए बीच बीच में लाती रहूंगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करके ही जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए किस तरह की रही। आपका ही दिन आपका ही समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।